जय श्री कृष्णा बच्चों, आप पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी कक्षा 4 से पाठ 6 और इसके पाठ के प्रश्न उत्तर आज हम प्रश्न संख्या 9 से 15 तक के समझेंगे। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक आप पहले ही समझ चुके हैं, आज हम प्रश्न संख्या 9 से 15 तक के प्रश्नों को समझेंगे। प्रश्न संख्या 9 है, जलाशय पर लोग क्या क्या करते हैं। जलाशय आपको बताया था, जैसे कि नदी, तालाब, कुई, कुंड, बावड़ी, पोखर, झील, ये सब जलाशय होते हैं, तो इन पर लोग क्या क्या करते हैं। इसका उत्तर है, जलाशय पर लोग पूजा, तर्पण, संध्या, वंदन करते हैं और नमाजी लोग वजू करते हैं। तो जो जलाशय होते हैं इन पर कुछ लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और कुछ लोग तर्पण करते हैं। तर्पण मैंने आपको बताया था कि जो अपने पूर्वजों के लिए हम पूजा करते हैं उसे तर्पण कहते हैं, और संध्या मतलब शाम को की जाने वाली पूजा, जो हम पूजा शाम को करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, संध्या, और वंदन यानी ईश्वर की प्रार्थना करना। तो जलाशय पर लोग पूजा, तर्पण, संध्या, वंदन करते हैं और नमाजी लोग वजू करते हैं। नमाजी यानी जो मुस्लिम लोग होते हैं वो नमाज पढ़ते हैं ना, और वजू करना यानी नमाज अता करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले वो लोग अपने हाथ पैर धोते हैं, उसे कहते हैं वजू करना। तो नमाजी लोग जलाशय पर वजू करते हैं, तो ये कार्य जलाशय पर होते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, जलाशयों को अनुपम दानी क्यों कहा गया है। जलाशय को अनुपम दानी क्यों कहा गया है, तो जलाशय अपना पानी स्वयं नहीं पीकर औरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं, इसलिए जलाशयों को अनुपम दानी कहा गया है। जो जलाशय होते हैं वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते, जैसे हम तो पानी पीते हैं, लेकिन ये जलाशय अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, औरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं। नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती है, लेकिन वो हमारे लिए जल इकट्ठा करती है, तो वो औरों के हित के लिए इकट्ठे करते हैं, इसलिए जलाशयों को अनुपम दानी कहा गया है। दानी वो जो दूसरों को दे, खुद के लिए इकट्ठा नहीं करे और दूसरों को दे, उसे हम क्या कहेंगे, दानी। तो जलाशय को हम अनुपम दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, बल्कि औरों के हित के लिए इकट्ठा करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए। हमें जलाशयों की सुरक्षा क्यों करनी चाहिए, क्यों इनकी रक्षा करनी चाहिए। इसका उत्तर है, जलाशयों के नष्ट होने पर प्राणियों के जीवन पर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं रह सकता, इसलिए हमें जलाशयों की सुरक्षा करनी चाहिए। जलाशय अगर नष्ट हो जाएंगे तो हम सब प्राणियों के जीवन पर क्या आ सकता है, भारी संकट आ सकता है, क्योंकि जल के बिना जीवन नहीं रह सकता, इसलिए हमें जलाशयों की सुरक्षा करनी चाहिए। अगर जलाशय नहीं रहेंगे तो हम पानी कहाँ से पिएंगे, या पशु पक्षी कहाँ से पिएंगे, या हम जो खेती करते हैं उनमें पानी कहाँ से हमें उपलब्ध होगा। तो उसके नष्ट होने से हम सभी पे क्या आ सकता है, भारी संकट, और जल के बिना क्या कोई जीवित रह सकता है, नहीं रह सकता, इसलिए हमें जलाशय की सुरक्षा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 12, जलाशयों को किसका हरकारा बताया गया है। जलाशयों को किसका हरकारा बताया गया, हरकारा मतलब पत्र ले जाने वाला, खुशहाली के पत्रवाहक यानी हरकारा। तो जलाशयों को खुशहाली का हरकारा बताया गया। हरकारा मैंने आपको बताया था, हरकारा किसे कहते हैं, पत्र ले जाने वाला या वाहक। तो जलाशय को खुशहाली का हरकारा बताया गया, जो जलाशय होते हैं इनको हमारी खुशहाली का पत्रवाहक यानी हरकारा बताया गया है, समृद्धि का। क्यों, क्योंकि अगर जलाशय होंगे तो चारों ओर जल ही जल होगा और हम पर कोई संकट नहीं होगा, तो जलाशय हमारी खुशियों के हरकारे होते हैं। प्रश्न संख्या 13, हमारी क्या जिम्मेदारी है। इसका उत्तर है, जलाशयों की रक्षा और सुरक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है।
जो जलाशय हैं, कैसे नदी, झीलें, तालाब, कुएं, कुंड, बावड़ी, इन सब की रक्षा करना, इनकी सुरक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी है। किसी एक व्यक्ति से कार्य पूरा नहीं होता है, हम सबको मिलकर इसकी रक्षा और सुरक्षा करनी है, ये हम सब की जिम्मेदारी है। प्रश्न संख्या 14 है, जलाशयों को दानी क्यों बताया गया है? जलाशयों को दानी क्यों बताया है? दानी यानी दान, जो दान देता है, तो जलाशय को दानी क्यों बताया गया है? इसका उत्तर है, जलाशय परोपकार का कार्य करते हैं, वे सभी प्राणियों के लिए पीने व अन्य कार्यों के लिए पानी एकत्रित करते हैं और उस पानी में से स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखते, इसलिए जलाशयों को दानी बताया गया है। जलाशय कैसे कार्य करते हैं? परोपकार के, पर उपकार, पर उपकार मतलब दूसरों पर उपकार करना ही परोपकार कहलाता है। तो जलाशय हम सब पर उपकार करते हैं, वे सभी प्राणियों के लिए पीने व अन्य कार्यों के लिए पानी एकत्रित करते हैं। जलाशय अपना पानी स्वयं नहीं पीते हैं, वो हम सब प्राणियों के लिए पानी पीने के लिए और हमारे जो दूसरे अन्य कार्य हैं उन कार्यों के लिए पानी एकत्रित करते हैं और उस पानी में से स्वयं के लिए कुछ भी नहीं रखते हैं, सब हमें दे देते हैं, हमारे लिए एकत्रित करते हैं, इसलिए जलाशय को दानी बताया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, हम जलाशय की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? हम जलाशय की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? इसका उत्तर है, जलाशय हमारी अनमोल धरोहर है, हम पानी को गंदा होने से बचाकर उसे प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं। कुआं, बावड़ी, तालाब व झील इत्यादि में बारिश का पानी आने का मार्ग खुला छोड़कर उसमें पानी भरने दे और पानी की व्यर्थ बर्बादी को रोककर हम जलाशयों की रक्षा कर सकते हैं। तो इसका उत्तर है, जलाशय हमारी अनमोल धरोहर है, अनमोल यानी जिसका कोई मोल नहीं होता, हमारे लिए वो अनमोल होते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं, हम मूल्य देकर भी उसकी कीमत को नहीं चुका सकते, वो होता है अनमोल। तो जलाशय हमारी अनमोल धरोहर है, धरोहर जो हमें पूर्वजों से और आगे प्रकृति द्वारा जो हमें प्राप्त है वो धरोहर होती है। तो जलाशय हमारे अनमोल धरोहर है, हम पानी को गंदा होने से बचाकर उसे प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं। हम इतना तो सहयोग कर ही सकते हैं कि हम पानी को गंदा ना करें, उसे प्रदूषण मुक्त रखें। गंदगी फैलाने वाले कौन होते हैं? हम ही लोग होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं। हम नदियों में, कुओं में कपड़े या गंदी वस्तुएं कुछ भी डाल देते हैं, कचरा ले जाके डाल देते हैं, गंदा पानी उन नदियों में छोड़ देते हैं, तो प्रदूषण फैलाने वाले कौन हैं? हम ही लोग हैं। तो हमें क्या करना है? पानी को गंदा होने से बचाकर उसे प्रदूषण मुक्त रखना है। कुआं, बावड़ी, तालाब व झील इत्यादि में बारिश का पानी आने का मार्ग खुला छोड़कर उसमें पानी भरने दे और पानी की व्यर्थ बर्बादी रोककर हम जलाशयों की रक्षा कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? जो कुएं हैं, हमारे बावड़ी है, तालाब है, झील है, इसमें पानी, बारिश का पानी आने का मार्ग खुला छोड़ दो कि यहाँ से होकर इनके अंदर बारिश का पानी इकट्ठा हो सकता है और उसमें पानी भरने दें। कुएं भर जाने चाहिए, बावड़ी, तालाब सब बारिश से पानी, बारिश के पानी से लबालब भर जाने चाहिए और पानी की व्यर्थ बर्बादी को रोके। अगर कहीं से पानी की व्यर्थ बर्बादी हो रही है तो हमें उसको रोकना चाहिए। इस तरह हम जलाशयों की रक्षा कर सकते हैं।